हेलो डी रान स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गूगल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बात करें गोरखपुर विश्वविद्यालय की, लगातार ये सेमेस्टर एग्जाम को पता नहीं क्या बना के रख दिए हैं, अपडेट पे अपडेट दिए जा रहे हैं और आपको पता है गला ऐसे ही खराब है, लेकिन क्या करें, इंपॉर्टेंट है, आपको बताना जरूरी है क्योंकि एक अपडेट हो सकती है बहुत सारे हज़ारों बच्चों की जो सेमेस्टर एग्जाम है वो खतरे में आ सकता है, सेमेस्टर एग्जाम उनका छूट सकता है, इसलिए आपको अपडेटेड रहना जरूरी है। उसके लिए आपने अच्छा किया कि टारगेट गुरुकुल को आपने फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया है, तो आपसे कोई अपडेट आपसे मिस नहीं होगी। देखिए यहाँ पे लगातार जो अपडेट है, फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ जो कोर्सेज उसका इन्होंने बताया कि एग्ज़ाम जो होगा जनवरी में हम करवाएंगे, ठीक है, और कुछ इन्होंने बताया कि कितने बच्चे इस बार सेमेस्टर एग्जाम देंगे, इन्होंने 19 दिसंबर को होने वाले सेमेस्टर एग्जाम शुरू होने वाले हैं उस पर डेट में भी कुछ बदलाव कर दिया है। जो भी अब तक की जितनी भी सेमेस्टर एग्जाम की अपडेट है वो सब कुछ हम आपको देने वाले हैं, ठीक। उम्मीद करेंगे वीडियो हमारी काफ़ी हेल्पफुल रहती होगी और जो हम बताते हैं वो आपको समझ में भी आता होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो हेडलाइन है, हेडलाइन जो आज की न्यूज़ है वो क्या है, ये न्यूज़ कल आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे लेकिन आज पहले ही आपको हम बता दे रहे हैं कि 18 दिसंबर सोमवार से शुरू होने वाली परास्नातक की विषम सेमेस्टर परीक्षाएं जो आप उसकी तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। हेडलाइन में सिंपल यही है, ठीक। बोला गया है 10 नोडल केंद्र तथा 117 परीक्षा केंद्र पर 24,182 विद्यार्थी जो होंगे वो परीक्षा देंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बड़ी चीज़ आपने नहीं बता दी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सब चीज़ें सब कुछ मिला के वही है कि इन्होंने ये भी बोला कि जो सेमेस्टर एग्जाम जो आपका सेंटर बनेगा वहाँ पे ये सीसीटीवी कैमरा के साथ साथ वहाँ पे आपको माइक्रोफोन भी लगाया गया है। मतलब कि यहाँ पे क्या लिखा गया है कि परीक्षा के दौरान कैमरे चालू रहें तथा उसमें आवाज़ भी सुनाई देनी चाहिए, ऐसा नहीं होने की दशा में जो परीक्षा केंद्र होंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि आपका प्राइवेट कॉलेज में आपका सेंटर गया हो या फिर गवर्नमेंट में गया हो, हर जगह क्या होगा, कुलपति मैम ने अपनी सारी सिक्योरिटी बिछा रखी है, यहाँ का आईटी सेल जो होगा विश्वविद्यालय का वो निगरानी में रखेगा कि कहीं सेंटर पे नकल तो नहीं हो रही, कुछ बोला तो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी अपडेट आप वहाँ से मिलेगी आपको, उसके बाद आपके सेंटर को वहाँ पे आपको आगे हरी झंडी मिलेगी, नहीं तो सेंटर पे आपके खतरा आ सकता है अगर उन्होंने नकल करवाएंगे तो। इन्होंने एक चीज़ और बताया है सर, सबसे बड़ी अपडेट जो अब तक की, वो देखिए 19 दिसंबर को होने वाली सेमेस्टर परीक्षा को उसी दिन यूपी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित नर्सिंग की परीक्षा के कारण बदलकर 6 जनवरी को कर दिया गया है। मतलब कि क्लियर है, जो परीक्षा 19 दिसंबर को होने वाली थी पीजी में, अब वो परीक्षा कब होगी, 6 जनवरी को होगी। उसके लिए बड़ी ये नोटिस अनाउंस की, नोटिस भी देख लीजिए, ठीक है। नोटिस यहाँ पे क्या है वो देखिए, नोटिस क्लियर है कि माननीय कुलपति जी के आदेश के क्रम में विश्वविद्यालय एवं संबंध महाविद्यालय के परास्नातक विषम सेमेस्टर की जो परीक्षा है 19, 12, 23 को निर्धारित परीक्षा जो किसी कारणवश स्थगित की जाती है, कारण मैंने बता दिया, जो लोक सेवा आयोग का एग्जाम उसी दिन है, दिनांक 19, 12, 23 जो 23 को निर्धारित परीक्षा है अब वो 6, 1, 24 को अपने पूर्व निर्धारित समय एवं परीक्षा केंद्र पर संपन्न होगी। यानी जो परीक्षा आपकी 19 तारीख को होने वाली थी वो अब आपकी कब होगी, आपकी 6 जनवरी को होगी, उसी टाइम से होगी और जहाँ पर सेंटर रहेगा उसी सेंटर पर होगा, ठीक, क्लियर है। पूरा पेपर निरस्त नहीं हुआ, केवल जो 19 तारीख का पेपर था, जो 19 तारीख को मान लीजिए आपका केमिस्ट्री था, फिजिक्स था, वो पेपर आप केवल आपका होगा 6 तारीख को, बाकी 18, 20, 21, 22 जो भी शेड्यूल है वो सब कुछ वही रहेगा, बस 19 तारीख का डेट चेंज किया गया है। उम्मीद करेंगे आप समझ चुके होंगे। अगली जो अपडेट है वो देखिए, अगली अपडेट से आपको रूबरू होना पड़ेगा डीडीयू में, अब जनवरी के मध्य में होगी बीएड और बीटेक की परीक्षा, इसमें एलएलबी भी इंक्लूड कर लीजिए। इन्होंने बोला कि जो एलएलबी परीक्षा होगी और जो आप लोग की यहाँ पे बीएड और बीटेक की परीक्षा होगी हम जनवरी में करवाएंगे, क्योंकि इनका कहने का मतलब ये है, क्लियर पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आपके एग्जाम पास हैं, ठीक है, आप वीडियो देखोगे तो पढ़ोगे कब, सही बात है ना। तो आप लोग क्या करना है कि इसको क्या है, इसमें लिखा है कि मतलब अभी सिलेबस इनका कंप्लीट नहीं हुआ है, सभी बच्चों ने शिकायत की है, इसलिए पेपर जो होगा वो जनवरी में कराया जाएगा। अब इसी बात से मैं एक चीज़ यहाँ पे जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर होंगे, ठीक है, चाहे वो बीए, बीकॉम, बीएससी हो, एलएलबी हो, वो सभी पेपर जो होंगे वो जनवरी में जा रहे हैं, ठीक है, सीधा सीधा हम देख पा रहे हैं। अब ऐसा नहीं सर ने बोल दिया जनवरी में पेपर होगा मैं पढ़ना छोड़ दूँ, यहाँ पे आपको मैम कुलपति मैम खुद नहीं पता होगा उनका पेपर कब उनको करवाना है, जिस प्रकार का बच्चों की रिक्वायरमेंट आएगी, जिस प्रकार डिपार्टमेंट बोलेगा उस प्रकार यहाँ पे विश्वविद्यालय चलता है। तो मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि जो हो सकता है फर्स्ट वीक आप जनवरी, 1 जनवरी, 10 जनवरी, 5 जनवरी को पेपर आपका शुरू हो सकता है। तो मैं एक उम्मीद बता रहा हूँ कि आप लोग परेशान मत हो, आप लोग कमेंट कर रहे हो, व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हो, आपकी परेशानी हम समझते हैं, इसलिए मुझे बार बार वीडियो में आके आपको सेमेस्टर एग्जाम के बारे में बताना पड़ रहा है, क्योंकि अभी विश्वविद्यालय कोई अपडेट दे नहीं रहा कि आपका थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर कब तक आपका सेमेस्टर एग्जाम करवाएगा। तो मैं आके आप वीडियो में आपको फालतू का बताऊं कि एग्जाम तब होंगे, अभी नहीं आया, डेट नहीं आई, तो इसकी क्या मतलब, आपका टाइम वेस्ट है ना पूरा, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हो चीज़ों को,
अब गला खराब होने वजह से बार बार आप चिल्ला रहे हो, चिल्लाना पड़ रहा है, क्या करें हम। यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया कि जो आप लोग के मध्य में जो बीएड होंगे, एलएलबी होंगे और बीटेक की परीक्षा होगी, वो अभी जनवरी मिड में यानी 15 जनवरी तक आसपास ये करवाएंगे, ठीक है। जो बीए बीकॉम बीएससी के बच्चे हैं वो भी लगभग मान चले कि एक जनवरी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी उनका भी एग्ज़ाम जा सकता है, ठीक। अब बच्चे जो बच्चे होंगे जो सेमेस्टर एग्जाम में थर्ड सेमेस्टर में होंगे, सिक्स मान लीजिए वो फिफ्थ सेमेस्टर में है, बीए बीकॉम बीएससी उनका है, यूजी कोर्स में है, तो उनका भी जो एग्ज़ाम की डेट है इन्होंने कंफर्म नहीं किया है। लेकिन आपका एग्ज़ाम क्या होगा, मैंने पहले बोला कि एग्ज़ाम के कम से कम 6 से 7 दिन पहले आपका टाइम टेबल आ जाएगा, मतलब 25 तारीख के आसपास, 25 तारीख के बाद आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चों का पीजी का जो 18 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होने वाला, उनका एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है, वो भी बड़ा मुद्दा है। तो उन लोगों का एडमिट कार्ड क्या होगा, वो कल परसों में या फिर अभी भी आप चेक करोगे तो हो सकता है एडमिट कार्ड डाउनलोड होना लगे, मैं चेक करके जैसे ही डाउनलोड होगा बता दूंगा आपको। लेकिन कल परसों में यानी कल तक शाम तक आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा, परेशान आपको नहीं होना, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, मैंने जो इम्पोर्टेंट अपडेट थी मैंने बता दी, ठीक है। उसके बाद भी अगर मन में कोई डाउट आपके अंदर है, कोई समस्या आपके अंदर है, तो टारगेट गुरुकुल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से सेमेस्टर एग्जाम सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको हेल्प का ऑप्शन मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आकर अपने डाउट पूछ सकते हो। अगर आपको कोर्सेज की तैयारी करनी है तो यहाँ पे कोर्सेज मिल जाएंगे, आप पढ़ भी सकते हो। जो भी को करिकुलर सब्जेक्ट हैं सबके जो कंटेंट होंगे वो प्रीवियस ईयर पे क्लिक करोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पीडीएफ मैंने अटैच कर दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। बता दें फिर एक बार बताता हूँ, टारगेट सेमेस्टर को सब्सक्राइब नहीं किया, सेमेस्टर को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे सेमेस्टर की हर क्लासेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे बीकॉम की क्लासेस चल रही हैं, बीए की चल रही हैं, बीएससी की भी 2-3 क्लासेस जा चुकी हैं, अभी और भी जाएंगी। तो टारगेट सेमेस्टर सब्सक्राइब कर लो, आपके गौरव विश्वविद्यालय के लिए ही बनाया गया है सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट थी आपने बता दिया मैंने, कि यहाँ पे 3 कोर्सेज बताया कि इन्होंने पेपर जनवरी में करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि जो आपके सेमेस्टर एग्जाम थे 19 तारीख को, उसको इन्होंने 6 तारीख को कर दिया है, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूरी निगरानी की जाएगी, कैमरा और माइक सब लगा हुआ है। इन्होंने ये बताया कि यहाँ बताया कि मतलब टोटल 24 बच्चे रजिस्ट्रेशन किए सेमेस्टर एग्जाम में देंगे पीजी में, ठीक है। तो ये पूरी अपडेट थी, और कुछ बड़ी अपडेट आपके लिए इसमें नहीं है। जैसे ही आपकी यूजी का टाइम टेबल या फिर फर्स्ट सेमेस्टर टाइम टेबल कुछ भी आता है आपको हम तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे। बस मन लगा पढ़ाई करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बस पढ़ाई करो, अपडेट वगैरह की चिंता मत करो। टारगेट बिल्कुल है ना, देखिए छोटे छोटे अपडेट है आपको बताई जा रही है, सेम इसी प्रकार सारी अपडेट आपको टाइम से पहले बताई जाएगी। ये पेपर आपको, ये जो न्यूज़ मैंने बताया ये आपको अभी कहीं नहीं मिलेगा, कल के न्यूज़पेपर में ये आपकी जो न्यूज़ है मिलेगी, ठीक है। तो कल की अपडेट मैं आज दे रहा हूँ, तो समझ लो कि आपके हर चीज़ें अब सबसे आगे रहोगे, ठीक। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐप डाउनलोड कर लो, टारगेट सेमेस्टर को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।